इंपोर्ट यूज्ड कार, हिंदुस्तान में आप यूज्ड कार, सेकेंड हैंड कार, ओल्ड कार अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या कस्टम के रूल है, क्या क्या उसमें बेसिकली रूल रेगुलेशन है, कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, कितना जीएसटी लगेगा, पूरा डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आपको बस एक ही काम करना, वीडियो को देखना लास्ट तक विदाउट स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम ये बात कर लेते हैं कि उसमें क्या रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं, तो बेसिकली 5 रूल रहते हैं जिसको आप समझ गए तो आप कार इंपोर्ट करने में कभी मार नहीं खाएंगे और कभी बेसिकली आपका कंटेनर रिजेक्ट भी नहीं होगा। सो बेसिकली रूल नंबर 1 कि यूज्ड कार शैल नॉट बी ओल्डर देन 3 ईयर। तो ये तो फॉर्मेलिटी के रूल है कि 3 साल से पुरानी कार नहीं होनी चाहिए, उसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें 3-4 साल, 5 साल, 8 साल वाली कार भी, लेकिन 10 साल से तो बिल्कुल कम ही कम होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली अगर एरिया है तो दिल्ली एरिया में तो वो कार चलेगी भी नहीं। और आप क्या करते हैं, कार इंपोर्ट करके उसको मॉडिफाई करके या एज इट इज़ आप एक्सपोर्ट भी करते हैं। कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं वो भी आगे हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली जो यूज्ड कार है, जो ओल्ड कार है, वो 3 ईयर से पुरानी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड नंबर रूल है, बेसिकली यूज्ड कार शुड बी राइट हैंडेड स्टेयरिंग, जो स्टेयरिंग है उसका, यानी ड्राइवर राइट हैंड साइड में बैठना चाहिए। जैसे इंडिया में होता है कि इंडिया में आप कोई कार इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका भी इसी तरीके से होना चाहिए स्टेयरिंग, जैसा इंडिया में चलता है, यानी राइट हैंड साइड स्टेयरिंग रहता है जो हमेशा कार को लेफ्ट साइड बेसिकली इंक्लाइन करके चलता है, यानी कीप ऑलवेज लेफ्ट। तो उसमें नेक्स्ट वही रूल आ जाता है कि जो उसका हेडलैम्प है, हेडलैम्प शुड सी सूट कीप लेफ्ट ट्रैफिक रूल, बेसिकली अगर ऐसा है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर रूल क्या आता है, जो उसका स्पीडोमीटर है, यानी जो उसमें स्पीड दिखाता है, यानी किलोमीटर पर आवर या माइल पर आवर जो दिखाता है, बेसिकली वो किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जितनी भी गाड़ी है सब में स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर दिखाता है। किसी किसी कंट्री में जो है माइल चलता है तो माइल पर आवर वाले मीटर रहते हैं। तो वैसे अगर कार है या तो आपको मीटर चेंज करना पड़ेगा या फिर वैसी कार आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप ध्यान रखिए कि कार में आपका जो मीटर है, स्पीडोमीटर है, जो स्पीड जहाँ पे दिखाता है सामने ड्राइवर को, वो जो मीटर है वो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। तो ये सूट करता है हमारे जो रूल में। अभी अगर 5th नंबर रूल की बात करें तो बेसिकली कार, यूज्ड कार, ओल्ड कार या फिर सेकेंड हैंड कार, जिसको भी जो भी आप बोलेंगे, वो कार सेल बी कंप्लाई मोटर एक्ट 1988 मोटर एक्ट है हमारा, बेसिकली उसको सूट करना चाहिए। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इंपोर्ट ड्यूटी कितना लगने वाला, उससे पहले बताऊँ बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं आप कैसे इंपोर्ट करते हैं, सप्लायर को कैसे ढूंढते हैं, सप्लायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मिले सेफ पेमेंट टर्म क्या है, किस कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, पूरा आपको डिटेल में स्टडी कराते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें कि सर इसमें इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगने वाली, कुछ लोग इसमें 200% तक का भी इंपोर्ट ड्यूटी बताते हैं, यस इट इज करेक्ट। किसी इंपोर्ट कार में बेसिकली जो अलग अलग लग्जरी कार रहती है उसमें 200% तक का भी इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। वो डिपेंड करता है कि कितने सीसी की गाड़ी है और उसका वैल्यू कितना है। नॉर्मली जो 1200 सीसी से कम वैल्यू ये कार आपकी कार रहती है, पेट्रोल कार और डीजल कार लेस देन 1500 सीसी वाली जो रहती है, तो नॉर्मल जो छोटा एक मिनिमम आपको जो लगता है इंपोर्ट ड्यूटी, 125% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। 125% ऑफ योर CIF वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, FOB पे नहीं मिलता है। FOB पे बेसिकली गवर्नमेंट की जो इंसेंटिव बेनिफिट्स होते हैं उसमें FOB प्राइस पे बेसिकली वो परसेंटेज रहता है, और जो आपको इंपोर्ट ड्यूटी लेता है या GST आपसे गवर्नमेंट लेता है तो बेसिकली वो CIF वैल्यू पे लेता है, यानी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये हम अपनी ट्रेनिंग में भी डिटेल में सिखाते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन आपको जो प्रॉफिट गवर्नमेंट के इंसेंटिव होती है वो FOB पे मिलते हैं, और जो आपके जो आपको ड्यूटीज लगती हैं वो बेसिकली CIF वैल्यू पे लगती है, और CIF वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन दी FOB वैल्यू। FOB वैल्यू क्या होगा कि अगर जैसे आप USA से इंपोर्ट कर रहे हैं तो USA वाली जो पोर्ट पे है वो वैल्यू जो है वो FOB वैल्यू होगा, और जो हमारे इंडियन पोर्ट पे आने के बाद जो वैल्यू बढ़ी इंक्रीज होके, जो कि उसका मैरिन इंश्योरेंस लगा के प्लस उसका ये जो फ्रेट चार्जेस है, किराया है, वो लगा के उसमें बन जाता है फिर CIF वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो ये जो वैल्यू हमारे पोर्ट पे आई है उस वैल्यू का बेसिकली कुछ परसेंटेज होता है जो GST भी देना पड़ता है और आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी देना पड़ता है। तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है आपको 125%, किसी किसी कार में बेसिकली आपको 200% तक का भी चला जाता है। अगर मैं GST की बात करूँ कि GST कितना लगता है सर वो बताइए, तो इसमें GST का भी क्राइटेरिया है।
अगर आपकी जो कार है, जो यूज्ड कार है, सेकेंड हैंड कार आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो 1200 cc से कम है, यानी पेट्रोल है तो 1200 cc से कम है और डीजल है तो 1500 cc से कम है, तो बेसिकली आपको लगने वाला है 12% इंपोर्ट ड्यूटी। कितना लगने वाला है? 12% ऑफ योर CIF वैल्यू, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अगर थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, यानी 1200 cc से पेट्रोल वाली ज़्यादा है या फिर जो डीजल वाली वो 1500 cc से ज़्यादा है, तो आपको लगने वाला 18% मैक्सिमम यहाँ पे GST जो लगता है आपको 18% लगता है, और इंपोर्ट ड्यूटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200% तक लगती है और मिनिमम आपको 125% लगती है। तो मिनिमम लेके बता रहा हूँ आपको कि 125% आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी और 18% मैक्सिमम आपको GST लग सकता है। अगर मैं बात करूं बेसिकली इंपोर्टिंग सोर्स, यानी हम कहां कहां से इंपोर्ट करते हैं, वो कौन कौन सी कंट्री, जो राइट हैंड साइड में ही स्टेयरिंग उनका रहता है, ड्राइवर जो है राइट हैंड साइड में बैठता है कार की, और वो कौन कौन सी कंट्री जहां से हम इंपोर्ट करते हैं बेसिकली, तो उसमें हो गया नंबर वन पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम काफ़ी अच्छी यूज्ड कार इंपोर्ट करते हैं, सेकेंड हैंड कार इंपोर्ट करते हैं, वो एक अलग है कि हम इसे यहाँ पे यूज़ भी करते हैं और यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करते हैं यूज्ड कार। एक हमारा स्टूडेंट भी वो भी यही काम करता है बेसिकली, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पे आता है, सेकेंड नंबर पे जापान आता है। जापान में भी राइट साइड में स्टीयरिंग होता है और इंडिया में भी राइट साइड में स्टीयरिंग होता है। ये जो मैं कंट्रीज बता रहा हूँ ये इनमें राइट साइड ही स्टीयरिंग रहता है। तो जापान की भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में इनका प्लांट है या इंडिया में उनके बेसिकली पार्ट्स बनते हैं। एक हमारे बेसिकली दीदी के हस्बैंड हैं, वो भी उस कंपनी में काम करते हैं कि जो जहाँ पे जापान का स्टीयरिंग बनते हैं, जापान की कंपनी है उनके स्टीयरिंग बनते हैं, वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बेसिकली। ही इज आल्सो द मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम आल्सो द मैकेनिकल इंजीनियर। सो बेसिकली जापान की वो कंपनी जो कि गुड़गांव में है, जापान से भी बहुत सारे हम कार इंपोर्ट करते हैं, सेकेंड हैंड कार इंपोर्ट करते हैं, इवन फर्स्ट हैंड कार भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम आज डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड हैंड कार का ही। थर्ड नंबर पे यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम, बेसिकली ब्रिटिश लोगों ने तो हमें बेसिकली यहाँ पे सब छोड़ के गए, अपने रूल रेगुलेशन ही बनाए उन्होंने, कार उन्होंने बेसिकली दिखाया और जो रेलवे है रेलवे उन्होंने बेसिकली बनाया, तो 200 साल हमारे ऊपर राज किया। तो बेसिकली यूके से भी इंपोर्ट करते हैं, यूएसए से इंपोर्ट करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हांगकॉन्ग से इंपोर्ट करते हैं, और जो पास की कंट्री है सिंगापुर से भी हिंदुस्तान इंपोर्ट करता है यूज्ड कार, सेकेंड हैंड कार। अगर मैं बात करूँ HS कोड की, कि जब आप इंपोर्ट करेंगे तो कुछ इसका HS कोड लगने वाला, ये आता है चैप्टर 87 में और सब चैप्टर इसका 03 होता है, तो इसका HS कोड बन जाता है 87 यानी 87032299। इसको आप इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वेयर इंडिया एक्सपोर्ट, अगर हमने इंपोर्ट कर लिया तो इंपोर्ट करने के बाद हम एक्सपोर्ट कहां करते हैं, तो बेसिकली यूज्ड कार हम अफ्रीकन कंट्री को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका को हम एक्सपोर्ट करते हैं, केनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं जो हमारी पास की कंट्री है, और मॉरिशियस को एक्सपोर्ट करते हैं जो एक आइलैंड है जो कि जिसको मिनी इंडिया बोला जाता है। आइलैंड में कैसे बेसिकली एक्सपोर्ट करना है उसके लिए अलग से हमने अपना वीडियो बनाया जो मॉरिशियस है, मैक्सिमम वहाँ पे इंडियन ही है, मोर देन क्या सारे ही इंडियन है, कुछ लोग दूसरी कंट्री के आते हैं जो कि विजिटर वगैरह हैं, बाकी सब इंडियन ही है, इंडियन नहीं बेसिकली वो बसाया जो कि ब्रिटिश लोग हिंदुस्तान से लेके गए थे मॉरिशियस में हिंदुस्तानी लोगों को काम करने के लिए, गन्ने की खेती कराने के लिए, और फिर वहीं पे बेसिकली ऐसे डेवलप हो गया। सो बेसिकली EPC की बात करूँ, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसमें क्या लगने वाली, तो इसमें EPC लग जाएगा, यानी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसका RCMC अभी आपको जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आप इंपोर्ट करें तो इंपोर्ट में RCMC की जरूरत नहीं रहती है, एक्सपोर्ट में आपको जरूरत पड़ेगी। इवन एक्सपोर्ट भी आप बिना RCMC के लिए कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट के बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन और क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लगेगा, सो बेसिकली आपको IC लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो कि हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, विद इन टेन मिनट आप अपना IC कैसे निकाल सकते हैं, अपने ट्रेनिंग में भी डिटेल में सिखाते हैं। ओनली गवर्नमेंट की 500 rupees की बेसिकली 500 rupees की फीस रहती है, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, आप खुद से उसको निकाल सकते हैं अपने आप। GST होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप खुद से अपना GST अप्लाई कर सकते हैं, विदिन वन वीक आपका GST आ जाता है अगर सब कुछ ठीक है। अगर उसमें रिजेक्शन आता है, उसमें क्लेरिफिकेशन आता है बेसिकली जो उसके डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट के लिए आ जाता है, या फिर एड्रेस के लिए PPB के लिए आता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए कई बार आ जाता है, तो उसका आप जरूर ध्यान रखिए। आप BL आपको लगेगा, बिल ऑफ लेडिंग, विदाउट ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपने पेमेंट कर दिया तो आपको देगा आपका सप्लायर आपको बिल ऑफ लेडिंग, या फिर आपको जो अगर LC के थ्रू कर रहे हैं तो आपका जो बायर है, जो आपका बैंक है, बैंक आपको बिल ऑफ लेडिंग देगा। जब बैंक आपको बिल ऑफ लेडिंग देगा तो बेसिकली तब आप इसको पोर्ट से इंपोर्ट कर सकते हैं। LC आपको लग जाएगा अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में आप काम करें, उधारी में काम करें। इनवॉइस आपको लग जाएगा, कौन सा इनवॉइस लगेगा मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर, इसमें तो कॉमर्शियल इनवॉइस लगेगा, परफॉर्मा इनवॉइस नहीं लगता, कस्टम में कॉमर्शियल इनवॉइस ही लगता है। व्हीकल इंश्योरेंस आपको लग जाएगा, टेस्टिंग रिपोर्ट लग जाएगी, कुछ टेस्टिंग रिपोर्ट
रिपोर्ट रहती है, इसका पोल्यूशन क्या है, ये है वो है, वो टेस्टिंग रिपोर्ट आपको इसमें लग जाती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि यूज कार का काम करता है या ट्रेडिंग करता है या फिर उसको एक्सपोर्ट करता है यूज कार को, या यूज कार का इंपोर्ट करता है। हो सकता है इससे किसी का बेनिफिट हो और किसी की दुकान इससे चल जाए, किसी का बिजनेस इससे चल जाए और कोई आपको दुआ दे जाए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ उसमें एडिशनल वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट में बड़े चाव से पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूं। तो आप जरूर कमेंट करिए और अब बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.